अखिल भारतीय वर्ष यादव महिला महासम्मेलन में आज दूसरी बार हम यहाँ भाग लेने का मौका मिला है। मंच पे उपस्थित महिला महासभा की प्रकोष्ठ की अध्यक्षा रूबी यादव जी, आज की अध्यक्षता कर रही सुधा यादव जी, आशा यादव जी एवं सभी को बीच बीच में संगठित करते रहती हैं अंजलि रंजन जी जो मंच पे ही मौजूद है। अभी मंच की संचालन कर रही भागलपुर की पूर्व मेयर वीना यादव जी उपस्थित यहाँ पे, जो बहुत सारे इतिहास से हम लोग को अवगत करवाए, और पूर्व विधायक गया से रहे हुए विनोद कुमार यादवेंदु जी, यहाँ बैठे हुए नारायण यादव जी, डॉक्टर चंद्रावती जी, प्रतिमा जी एवं तमाम यहाँ पे बैठी हुई हमारे मंचासीन महिला साथी, खास करके श्याम नारायण यादव जी जो काफी ही सभी को प्रोत्साहित करते रहते हैं, और बहुत ही इस तरह का वो भाषण दे रहे थे जैसे लग रहा था वो काफी गुस्से में है, तो वो गुस्सा जायज था, लेकिन क्योंकि अभी अभी ये सम्मेलन शुरू हुआ है दो बार से, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे यादव सम्मेलन में भाग लिए हैं, लेकिन महिला सम्मेलन में मौका हमें दूसरी बार मिला और ये हो भी रहा है दूसरी बार। सामने में बैठे हुए बहुत ही तेज तरार राम भजन यादव जी जो काफी ही मेहनत करते हैं और बहुत सारी मुद्दा को लेकर वो लोगों के बीच में रहते हैं और आए दिन कार्यक्रम करते हैं, जो उनको हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे उपस्थित हमारी सारी बहनें एवं तमाम साथी लोग, अगर मीडिया कर्मी है तो वो भी, अभी सब कुछ बोल दिया गया क्योंकि यादवों के इतिहास के बारे में जो बहुत कुछ हम नहीं जानते थे तो विनोद कुमार यादवेंदु जी ने बहुत ही विस्तार से और अच्छा समय लेते हुए बोल रहे थे। बहुत लोगों को लग रहा था कि बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि आज उनकी भाषण खत्म नहीं हो और हम सुनते रहे क्योंकि वो हमारा इतिहास बता रहे थे। क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे पीछे हो जाते हैं ये बोलकर कि हम यादव हैं, हम यादव हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हमारे दुश्मन कितने हैं। सभी लोग दुश्मन, हर जाति के दुश्मन अगर कोई कहा है तो वो है यादव, चाहे देश में कहीं भी चले जाइए, हर जाति हर समाज के लोग यादव को हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उनको मुसीबत आता है तो सबसे पहले यादव का ही दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि वो जानता है लोग कि यादव ही है जो हमारा रक्षा कर सकता है। तो हम लोग अपनी प्रतिभा को जान नहीं पाते हैं कि हमारी प्रतिभा है कहाँ। अभी यहाँ पे बबन बोल रहे थे और बहुत ही अच्छा बात बोले कि हम लोग किस नॉट और मजरोट में बट जाते हैं, ये कौन बटवा रहा है, इसको हमें समझना होगा और हमें इसे बटने से रोकना होगा, जो काफी आगे तक ले गया कि नहीं वो किस नॉट है वो मजरोट है। आप और किसी जाति के बारे में आप लोग को पता है, हम लोग जान पाते हैं कि अगर वो उस समाज का है तो वो कौन से अपने कास्ट में कौन सा आता है, यंत्र से जा कहां से आता है, लेकिन हमारे बारे में सब जानता है कि वो किस नॉट है तो वो मजरोट है, क्योंकि वो चुनाव में वो जीतने के लिए हम लोग को तोड़वाने के लिए वो हर रणनीति अपनाता है और हम लोग को तोड़वाने में वो कोई भूमिका असर नहीं छोड़ता है, जिससे कि हम लोग आपस में बट जाए। और आज भी हम लोग बटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए हमको नहीं बटना है कि हम लोग किसनौट है या मजरोट है। आज भी हमारी महिलाएं बहुत यहाँ कम आई है, यहाँ ही नहीं अगर कहीं भी कुछ कार्यक्रम होता है तो हमारे समाज की महिलाएं बहुत ही कम निकल पाती है। तो इसके पीछे भी क्या है कि हम लोग के बीच में जागरूकता नहीं है, हम लोगों को सही ढंग से बताया नहीं जाता है कि आप अपने समाज के लिए अगर आगे नहीं बढ़िएगा तो फिर हम लोग बहुत ही बट जाएंगे, हम लोग की महिलाएं को कब आगे बढ़ाया जाएगा, जब कहीं पे उसकी जरूरत हो, किसी की रक्षा करनी हो तब उन्हें आगे करना होगा, और वह भी फेटा कस के आंचल कस के वो निकल जाएगी लड़ने के लिए, लेकिन जब उनकी काम की बातें होगी, उनकी ज्ञान की बातें होगी तो हमारे घर के पुरुष उन्हें जागरूक नहीं करेंगे कि नहीं ये बहुत ही जरूरी सम्मेलन है, आपको जाना चाहिए।
तो अगर हम अपने आसपास में, अपने घर में अपनी यादव महिलाएं बहने को नहीं निकालेंगे तो उसे कौन निकालेगा। और क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, समय भी अब निकल चुका है, हमारे बहुत लोग, हमारे साथी लोग इंतजार कर रहे हैं कि होली मिलन का कार्यक्रम अब शुरू हो, तो हम भी चाहते हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं और ज्यादा अब हम भी समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ज्ञान की बातें बोलने के लिए अब शब्द नहीं है। सारे ज्ञानी लोग ज्ञान बांट के चले गए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग अब ज्ञान देना हम नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि अब हम लोग जब भी बैठक करें, जब भी अगला बार, अगर हम लोग जब भी जहां भी जाए, चाहे गया जाए, पूर्णिया जाए, जहां भी बैठक हो, तो अब हम लोग अपने साथ एक निर्धारण करना होगा कि अगर जो एक महिला है तो उसके साथ कम से कम दो ही हो, पांच हो, चार हो, साथ में चले। अगर इस तरह से चलेगी तो जैसे कि आशा जी बोल रही थी कि अन्य लोग के कास्ट का जब अगर बैठक होता है तो हॉल के बाहर सब खड़ा रहता है, अंदर में जगह नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग को जागरूक करना है और हम लोग को पकड़ के लाना है और हमें उन्हें अपने बारे में बताना है कि हमारा इतिहास क्या है। सिर्फ जय श्री कृष्ण कह देने से नहीं होगा, हमें अपने कृष्ण वंश का क्या इतिहास है उसे बताना।